इस समय महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से जो है जनाब महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज जो ये कार्यक्रम है ये आयोजन किया हुआ है और गाना चल रहा है असी टोक रहे हैं। ये सुनिए जम्मू जो है जनाब खुश है क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो कि काफी समय से एक आंदोलन के दौर पे ये छुट्टी थी और आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और तमाम पूरा जम्मू कश्मीर में जो है खुशी है। आज मन की बात जो मोदी साहब ने बोले ये सारे गीत दी लाइन अज उन्हें भी दोहराइया अस डोगरे आखने छाने कन्ने अस जीतिया ने जंगा घमसाने कन्ने अज दा जिहड़ा मन की बात प्रोग्राम है ओहदे च मोदी साहब ने ये लाइन कर दी। लाइव देख रहे हैं हम सैनिक कॉलोनी से जहाँ पे महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से जो है महाराजा हरि सिंह जी श्रद्धांजलि फूल अर्पित किए गए। काफी मशहूर डोगरी सॉन्ग्स जो है यहाँ पे गाए गए उन्हीं में से एक अस डोगरे हैं आखिर शामिल कर रहे हैं। जोरदार तालियों के लिए स्वागत करना सुरेंद्र सिंह मजाज जी। हेलो 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 जवान तोली तोली खंड मिट्टी लोग बोलते गल नहीं सारे
ते बोलनी उवार दे गल नहीं उसार दे ते बोलनी उवार दे ओ दिन जन जवान तोली तोली ते कंद मिटे लोक दोहरे ओ मिठड़िए ओए होए मिठड़िए जोगरे दी बोली ते कंद मिटे लोक दोहरे सारे तालियां बजाइए कॉलोनी से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं डोगरी गाने अभी जो है लाइव चल रही है मक्खने नेपाल दे सारे तालियां बजाइए आप लोगों के लिए तारीख हिमाचल सिंह जी निगेटिव आने कर रहे हैं हिमाचल सिंह जी बिल्कुल खंड मिठे लोग डोगरे जो जो लाइव देख रहे हैं मजा लीजिए डोगरी सॉन्ग खंड मिठे लोग डोगरे बहुत बेहतरीन गाना खंड मिठे लोग डोगरे और अब जो है लोका गोरु चुक गोरी गाना पेश किया जाएगा तमाम जम्मू लद्दाख विजन की जनता के लिए और लाइव प्रसारण आप ये देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन में और सैनिक कॉलोनी में अभी मौजूद हैं ये आप महाराजा साहब की आप तस्वीर देख सकते हैं महाराजा साहब हमारे अमर हैं और युवा राजपूत सभा के प्रधान भी ऐसा सुनने में आया कि हैप्पी सिंह वो भी यहाँ पे आएंगे लोका गुरु चुक गोरी
महाराजा साहब को फूल अर्पित करते हुए हैप्पी सिंह प्रधान जो कि प्रधान युवा राजपूत सभा के प्रधान उन्हें यहाँ पे बुलाया गया है। आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सैनिक कॉलोनी से। हाँ, महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से जो है ये आयोजन किया गया और हैप्पी सिंह प्रधान जी को सम्मानित किया गया और महाराजा साहब जी के तस्वीर पर फूल भी अर्पित हुए। जय डुगर, जय माडुगरी, जय महाराज हरि सिंह जी। सारे पहले सारे मेरा प्रणाम। बड़ा खुशी का दिन है कि हर जगह जम्मू कश्मीर से महाराजा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुझे पूरा महीना गया सारे दिन बड़ा अच्छा गुजरा है। लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से, जहां महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से ये आयोजन किया गया है। बड़ी मेहनत की थी युवा राजपूत सभा जिंदाबाद के नारे यहां लगते हैं। एक गाना में गाया है लाइव तस्वीरें महाराजा जी के पोते हैं छुट्टी लेके छोड़ा सैनिक बहुत ज्यादा प्यार देता महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से जो है ये हर साल ये युवा राजपूत सभा किया जाता है। और ये देखिए इन्हें सम्मानित करते हुए सारी युवा राजपूत सभा जोरदार तालियां होने की सम्मानित कर दे जोरदार तालियां होने के लिए तालियां सम्मानित करते हुए संजीव मलमोत्रा जी सम्मानित करते हुए हैप्पी जी को
जो कि इतने बड़े संघर्ष में आखिरकार इनकी जीत हुई है। काफी समय से जो है छुट्टी की डिमांड करते थे, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को छुट्टी छुट्टी मिलती हुई और सम्मानित करते हुए एक बारी ताड़ियां लाइडो राजनीतिक रही युवा राजपूत सभा के प्रधान रही जिन्हें इतनी अच्छी लीडरशिप निभाई। सब लोग सम्मानित करते हुए देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पे सम्मानित करते हुए हैप्पी प्रधान जो कि युवा राजपूत सभा के प्रधान है। आखिरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा, छुट्टी घोषित करनी पड़ी और जिस तरह कल आपने देखा बहुत विशाल रैली जो है पूरे जम्मू में आपको देखने को मिली, अलग अलग जगहों से जो है सेलिब्रेशंस भी हुई, लेकिन अभी जो है फिलहाल सैनी कॉलोनी में है और यहाँ पे आप ये देखिए सेलिब्रेशंस सम्मानित कर रहे हैं हैप्पी प्रधान और साथ ही साथ नम्रता शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है, हैप्पी सिंह जी के बिल्कुल साथ ही वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा जी सैनी कॉलोनी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। तमाम जो जो भी युवा राजपूत सभा के साथ आए हैं उन सबको सम्मानित करते हुए महाराजा हरि सिंह विचार मंच की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया गया, हर साल जो है ये श्रद्धांजलि उनको देते हैं महाराजा साहब को। और ये आप ये देखे हैप्पी सिंह प्रधान जी विमन सिंह आम आदमी पार्टी नम्रता शर्मा जी को सम्मानित करते हुए और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। साढ़े महाराजा विचार मंच के साढ़े चेयरमैन साहब विचार मंच ने ये रखा थोड़ा जहाँ तुम शांत ध्यान से चलो मैं पेस्टर के ये आज की कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले मैं युवा राजपूत के प्रधान का यहाँ सैन्य कॉलोनी के अंदर स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से इन्हें महाराजा साहब की छुट्टी के लिए जो मेहनत की है जोश बलबला था उसके लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूँ। सैन्य कॉलोनी की ओर से आपको बधाई देता हूँ। यहाँ 10 जिले के लोग रहते हैं, वो सभी लोग आपको नमन करते हैं कि आपकी हिम्मत हौसला फजाई और जिस सच्ची लगन से आपने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया वो एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दफा 144 के बावजूद सब कुछ मुश्किलात के बावजूद अपने काम में कोई कुताही नहीं की, यानी कि सच्चे मन से लगे रहे और वो चीज़ प्राप्त की जो 75 साल में नहीं कर सके लोग। तो मैं इतना कहता हुआ आपको मुबारकबाद देता हूँ महाराज हरि सिंह विचार की मंच की ओर से। और अब हमारे वाइस चेयरमैन संजीव मल्होत्रा जी ये मेमेंटो पेश करेंगे। तो ये सैन्य कॉलोनी की ओर से आपको बधाई है। ये मोमेंटम नहीं है, ये हमारा दिल है जो आपके हवाले हमने किया है। महाराजा हरि सिंह जी हमारे, महाराजा हरि सिंह जी हमारे, महाराजा हरि सिंह जी हमारे। तो ये हमने इनको दिल दिया है तो आप वो कहते हैं कि दिल दिया उनको दिल रखने के लिए, देखेंगे दिल को पास रखेंगे या उसे जुदा करेंगे। मुझे इस बात की आज खुशी है, आज जो मायानाथ सपूत रियासत जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने खुद भी लड़े और लड़वाया भी और सारे लोगों को इकट्ठा करके ना रियासत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इकट्ठा करके सरकार को ये बता दिया कि जम्मू के डोगरे जो हैं जो लड़ियाँ जंगा कमसाने का ना वो बात तो सिद्ध है। ये इतना कहते हुए मैं आपका आभारी हूँ। अब आपसे सुनेंगे आपने क्या क्या कौन कौन सी मेहनत की है। धन्यवाद। सबसे सारों पहले तो मैं बावे वाली था, बावे वाली माता था
जम्मू के डोगरे का उस बाद अज सैनिक कलोनी दे जड़ा मेरे बजुर्ग हैं मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। मैं इंदी जिस मान सम्मान की जिन्ना चर जींदा रहूँ वो याद रखूँ कोशिश जी कोशिश की ही जम्मू के डोगरे की कट्ठी करने की तो वह कारवा इं चलता रहो युवा राजपूत सभा की तरफ का कुदै भी जिस भी जो जरूरत हो युवा राजपूत सभा फ्रंट पर आनी है वह साथ दो कदें भी युवा राजपूत सभा जिन्हें लोग आखते हैं कि हम सामने नहीं आएंगे पीछे से चलेंगे अस पिट्ठ नहीं कोई दसगे जिथे चलगे छाती चौड़ी करिए सीना चौड़ा करिए लोगों तीन खास करिए जम्मू के डोगरी की आवाज़ बन गए और जम्मू के डोगरे तीन हमेशा खड़े रहोगे। तो मैं उन्हें लोगों भी आखना चाह जे लोग जात पात पर सवाल पूछा दे राजनीति करा दे जात पात जी सा महाराजा ने अज कोला 90 साल पहले खत्म करी ही फिर जो कोई बेवकूफ का वह जात पात की गल करेगा अस सारे को पहले डुगर प्रदेश के डोगरे हाँ फिर हिंदुस्तानी हाँ वी आर इंडियन हिंदुस्तान कन्नै तिरंगे कन्नै लिपटियै मरना पसंद करने आन बान साढ़ी जिहड़ी है हिंदुस्तान का तिरंगा है। तो मैं एक बार दोबारा सारे राजनीतिक दलें की ते राजनीतिक दलें दे लीडर आखना चाहंग कि महाराजा के नाँ के उपर कोई भी राजनीति नहीं करे क्योंकि ये भगवान रूपी महाराजा है। अस उस महाराजा की छुट्टी मंगदे हां जिहड़े जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख गिलगित बलोचिस्तान के महाराजा है किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर की छुट्टी नहीं मंगा दे अस जम्मू के डोगरे की नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा की जिन्हें असें कि हिंदुस्तानी बनाया था उनके नाँ की छुट्टी मंगा दे। तो इस गल कोई भी राजनीति पर नहीं करनी चाहिए तो मैं ना गै मेरी युवा राजपूत सभा ना गै मैं उसका प्रधान ना गै साडे राजपूत ये जी छुट्टी का क्रैडिट लेने की साढ़े मूँह कदम जिक्र नहीं होग जी छुट्टी ली है जम्मू के डोगर ली है मीडिया का भी उसे बड़ा साथ रहा तो मां बावी आली आशीर्वाद कन्ने पहले बारी जम्मू के लोगों की जी खुशी मिली है 75 साल के बाद उसी 80 खेली है जिन्ना हो सके गुणगान करो। तो जय हिंद जय जम्मू जय मां डोगरी इन्ना गल हुई सारे की मेरी तरफ का नमस्कार जय हिंद जय डोगरी। जी मैं स्वागत करती हूँ हैप्पी सिंह जी का कि आज जब ये शुभ घड़ी आई है जब हमें ये छुट्टी मिली है इस अवसर पे सैनिक कॉलोनी के निवासियों ने विशेषकर संजीव मनमोत्रा जी ने और उनकी पूरी टीम ने दविंदर शर्मा जी ने कुलबीर सिंह समयाल जी ने जितने भी उनके साथी हैं सबने इन्हें यहाँ बुलाया और हमें भी इस खुशी के मौके पर आने का अवसर मिला। मैं इनको दोबारा एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने जो इकट्ठा किया सब लोगों को एकजुटता जो जम्मू के लोगों ने दिखाई इस छुट्टी को लेने में इसी तरह से अगर जम्मू एकजुट हो जाएगा तो मुझे लगता है वो समय दूर नहीं जब हम अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकेंगे। फिर से एक बार बहुत सारी बधाई युवा राजपूत सभा के सारे सदस्यों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं बहुत दिल की गहराइयों से मैं इनका अभिनंदन करती हूँ और उनको एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये अभी इस समय कालीदास जी जो है सम्मानित करते हुए हैप्पी सिंह जो कि प्रधान है युवा राजपूत सभा जी के लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से यूनिस मीर जी लिख रहे हैं गुड स्टेटमेंट बिल्कुल काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा छुट्टी के लिए और आखिरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा छुट्टी देनी पड़ी। सर क्या कहना चाहेंगे इतनी लंबी के समय से ये मुद्दा था आज जो है ये मुद्दा हल हो गया कितनी खुशी है। देखिए खुशी का तो हम इजहार नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं और महाराजा हरि सिंह विचार जो मंच है इनका हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज हमारे युवा राजपूत सभा को यहाँ सम्मानित किया है। देखिए युवा राजपूत सभा ने एक धागे का काम किया जैसे एक माला में जितना रोल उस धागे का होता है ना जो वैसे ही युवा राजपूत सभा का रोल है। उस धागे में हमने हर बिरादरी का एक एक जो मोती है वो उसमें पिरोया है और फिर वो माला बनी है और वो माला बनी है तो हमने जम्मू की जो जंग है ये जीती है। हम सब लोगों से यही बोलते हैं कि ये जो माला है ये बनी रहनी चाहिए हमारा प्यार बना रहना चाहिए और हमारा
कभी भी किसी भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जाति बात है ये हमारे महाराजा जी ने 75 साल पहले खत्म कर लिया था। हमें ये चीजें दूर करना पड़ेंगी और हमें डुग्गर एकता को जिंदा रखना पड़ेगा। शुक्रिया। और डुग्गर एकता को जिंदा करना पड़ेगा। और इस समय देखिए मैम क्या बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और ये हर साल इससे भी ज्यादा अच्छी खुशियाँ मनाए। इस साल डबल खुशी, डबल इससे भी ज्यादा मनाए। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जम्मू के लोग सब एकजुट होके लड़ रहे हैं और ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जय देव। ये मैं बेटी को बहुत बहुत मुबारक बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। इस तरह से बेटियाँ आगे निकलें। चले जनाब, ये आप ये देखिए लाइव तस्वीरें आपने देखी सैनी कॉलोनी से, जहाँ पे महाराजा साहब को सम्मानित के लिए हैप्पी सिंह प्रधान, नम्रता शर्मा जी और भी बड़े बड़े जो हैं अधिकारी यहाँ पे आए। इस समय आप ये देखिए सम्मानित होते हुए हैप्पी सिंह प्रधान, जो कि युवा राज्यसभा के प्रधान है, उन्हें सम्मानित करते हुए। बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए 23 सितंबर, बहुत बड़ा दिन। काफी लंबे समय से ये संघर्ष था, छुट्टी की मांग थी, आखिरकार पूरी हुई है तो खुशी तो जाहिर सी बात है। आप ये देखिए हैप्पी सिंह प्रधान जी के साथ जो है सेल्फियां हो रही है। आखिरी बाइट लेंगे कालिदास जी से। कालिदास जी क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए ये महाराजा हरि सिंह के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। इसमें जुगा राजपूत का तो योगदान है ही है, लेकिन हमारा सब बरादरियों का योगदान है। जितने भी बरादरी थी वो सारा मिल जुल के इस छुट्टी के, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने के वे सारे लगे थे, और सभी हमारे जम्मू स्टेट का सभी का योगदान है, सभी बरादरियों का योगदान है हमारा। जनाब तमाम पूरा जम्मू कश्मीर खुश है, और आप ये देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल है। आमिर जी जरा दिखाए इसे, आप ये देखिए खुशी का माहौल है। तमाम पूरा जम्मू कश्मीर जो है खुशी में डूबा है, क्योंकि काफी लंबे संघर्ष के बाद जो है इस छुट्टी जो है जनाब ये हासिल हो रही है। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा अपरंपार है, और नीचे कमेंट में जो है महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। जम्मू लद्दाख विजय। तो जनाब आपको दिखाया हर एक तस्वीरें, आपको दिखाई कि किस तरह से जो है महाराजा हरि सिंह जी की सेलिब्रेशन यहाँ पे हुई। हैप्पी सिंह प्रधान जी यहाँ पे भी पहुंचे और तमाम लोगों ने उनको सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात होती है 23 सितंबर जम्मू के लिए, बहुत बड़ा दिन। आपको क्या लगता है जनाब? खबर भेजे की मंजूर करेंगे, देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल जम्मू लद्दाख की। जय हिंद जय भारत।